हेलो स्टूडेंट, मरुदेव दफड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने मल्टीमीडिया के अंदर देखेंगे एमपीईटी कंप्रेशन के बारे में। ये एमपीईटी कंप्रेशन क्या होता है और एमपीईटी है क्या चीज, आज के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने कई बार वीडियो या कोई मोबाइल में वीडियो डाउनलोड किया होगा या वीडियो बनाया होगा, तो उसका जो आप लोग देखते हो कि नॉर्मली उसका जो फॉर्मेट होता है वो MP4 होता है। क्या होता है? *MP4 होता है। तो आप जब ये MP4 जब फाइल को आप क्या नाम है स्टोर करके अपने सिस्टम में या मोबाइल में, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा जगह लेता है, स्पेस लेता है आपकी डिवाइस के अंदर स्टोर होने के लिए। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप अपने वीडियो को कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने से आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी लगभग वही रहती है, परंतु उसका जो साइज है, वीडियो का जो साइज है वो क्या होता है, छोटा होता है, जिससे कि आप अपने डिवाइस के अंदर चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो उसमें आप अधिक से अधिक वीडियो को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब आप वीडियो को सेव करते हो तो वो जो फाइल बनती है उसको बोला जाता है MPEG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MPEG। MPEG का पूरा नाम क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं इसको, MPEG का पूरा नाम। सामान्यतः जब आप लोग क्या है कि जो फाइल को स्टोर करते हो तो MPEG फाइल नाम से सेव करते हो या MP3 नाम से सेव करते हो, तो वो क्या है कि आप लोगों ने जब सेव करते हो फाइल को MP3 या MP4 के अंदर, तो सामान्य रूप से आप ये उसको आप समझते हो कि वो क्या है कि फाइल का एक्सटेंशन है। वास्तव में MPEG क्या है? एक ऑथराइज एक क्या नाम कर्मचारियों का समूह है जो कई देशों से क्या करता है कि इस वीडियो कंप्रेशन के बारे में वो अलग अलग क्या नाम है मानक निर्धारित करता था। अपने पढ़ते तो उसमें क्या लिखा हुआ है, MPEG ऑथराइज एक कर्मचारी समूह है जो ऑडियो और वीडियो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है आपका कंप्रेशन और संशोधन के मानकों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया है। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1988 में, 88 में आपका ये MPEG ऑथराइज एक जो समूह था, ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसको क्या बनाया गया था। ये वास्तव में ग्रुप है ना कि एक ये क्या है फाइल का एक्सटेंशन, लेकिन इसी नाम से फाइल के एक्सटेंशन का भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग जब आप जो क्या नाम है फाइल को सेव करते हो या उसको कंप्रेस करते हो तो MPEG ऑथराइजेशन है MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, MPEG 7, MPEG 21 आदि अलग अलग क्या है इसके जो क्या नाम है एक्सटेंशन या इसके जो वर्जन आपके निकाल रखे हैं, जिनका प्रयोग आप अलग अलग प्रकार के वीडियो को स्टोर करने के लिए, अलग अलग क्या नाम है मल्टीमीडिया से स्टोर करने के लिए, अलग अलग डिवाइस से स्टोर करने के लिए इनको जो आपके लिए वर्जन क्या है क्रिएट कर रखे हैं। आप इनको अपना एक एक करके देखते हैं। अब देखिए इसको सबसे पहले MPEG कंप्रेशन आप ये था, इसमें MPEG 1 क्या होता है? MPEG 1 भी क्या है एक MPEG ऑथराइज ग्रुप के द्वारा ये एक क्या वर्जन निर्धारित किया गया। इसका काम क्या है? इसको ऑडियो वीडियो मानक मतलब स्टोर किया जाता है, यानी इसमें आप कोई MP3 फाइल या जो ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए काम किया जाता है। इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MP3 होता है। क्या होता है? MP3। यानी आप किसी ऑडियो फाइल को सेव करते हो और उसको कंप्रेस करके आप स्टोर रखते हो अपने डिवाइस के अंदर, तो वो फाइल का फॉर्मेट क्या होगा आपका? MP3 बनेगा, यानी वो ऑडियो फाइल बनेगी। तो ये क्या है एक वर्जन है जो MPEG ग्रुप के द्वारा निर्धारित किया हुआ है। फिर दूसरा है MPEG 2। ये क्या है कि MPEG 2 जो फाइल का एक्सटेंशन, ये क्या है जो टेलीविजन या DVD वीडियो के लिए जो आप क्या नाम है वीडियो डाउनलोड करते हो या देखते हो उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है आपका? MPEG 2 होता है। फिर आपका MPEG 4 यानी MP4 बोल सकते हो आपको। ये क्या है कि ये जो फाइल होती है ये कंप्यूटर या मोबाइल के लिए या वेब के लिए आपके काम में आती है मल्टीमीडिया के अंदर। फिर आपका है MPEG 7, ये मल्टीमीडिया सामग्री की जो मतलब अगर आप नेट पे या वेबसाइट पे कोई मल्टीमीडिया को या वेब वीडियो को या ऑडियो को आप सर्च करते हैं तो उसमें जो आपको फाइल मिलती है वो आपको होगी MPEG 7 प्रकार की होती है। ये क्या है अलग अलग वर्जन है जो आपके MPEG जो ऑथराइज ग्रुप के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं कि इस फाइल के कंप्रेशन से ये फाइल आपको प्राप्त होगी।
फिर आपका दूसरा, फिर नेक्स्ट है आपका एमपीजी टेस्ट। ये क्या है कि एचटीटीपी मल्टीमीडिया, यानी अगर आप कोई हाइपरलिंक के माध्यम से कोई मल्टीमीडिया को सर्च कर रहे हो या उसको स्ट्रीमिंग के लिए काम में ले रहे हो, तब ये इस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये तो क्या था कि एमपीजी के अलग अलग टाइप थे कि आपके एमपीजी कितने प्रकार के वर्जन आपको देती है, ये इसकी बात हुई। अब बात करते हैं अपने एमपीजी का आर्किटेक्चर, यानी एमपीजी किस प्रकार से कार्य करता है, या एमपीजी जो ये जो कंप्रेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया हुआ है एमपीजी लॉसी डाटा कंप्रेशन प्रकार करता है। लॉसी डाटा कंप्रेशन मैंने आपको बताया था, ऐसा डाटा कंप्रेशन जो क्या करता है कि डाटा को स्टोर करने पे क्या होता है, आपका डाटा का लॉस होता है। क्या होता है? डाटा का लॉस होता है। ऐसे कंप्रेशन को क्या बोलते हैं? लॉसी डाटा कंप्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पिक्चर के सैंपल लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो आपकी जो वीडियो बनती है वो प्रत्येक वीडियो का एक इमेज होता है, वो अलग अलग फ्रेम में होता है। वो क्या होता है? अलग अलग फ्रेम होता है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग फ्रेम के पिक्चर के अलग अलग सैंपल लिए जाते हैं, और फिर उस सैंपल को इसमें लिखा ना आगे, और उसे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। मतलब उसको अलग अलग टुकड़ों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, और उस पर DCT यानी डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये कोडिंग की जाती है, या इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मर में, इसमें जब आप कोई इमेज को आप क्या करते हो 8x8 पिक्सल में उसको बांटते हो लॉसी कंप्रेशन के द्वारा, तो उसके लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग लूप बना के उसके लिए डाटा स्टोर किया जाता है। उसको कलर के आधार पे एक लूप बनाया जाता है, सॉरी लूप क्या, एक एरे बनाया जाता है, और उस आधार पे क्या है डाटा को स्टोर किया जाता है। फिर उस पर क्या है कि जिगजैग क्या है स्कैनिंग की जाती है, और फिर उसको क्या किया जाता है क्वारंटाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वारंटाइन तकनीक का क्या कहते हैं प्रयोग करते हैं। क्वारंटाइन वैल्यू पर एंट्रोपी कोडिंग की जाती है। कौन सी कोडिंग करते हैं? एंट्रोपी। एंट्रोपी कोडिंग एक विशेष तरह की कोडिंग होती है, जिसमें क्या कहता है कि एक पिक्सल जो अगले यानी पिछली पिक्सल और अगली पिक्सल के बीच में जो डिफरेंस है, यानी एक पिक्सल जो आपकी पहले थी और एक उसके बाद में आने वाली जो पिक्सल है, उन दोनों पिक्सल के बीच में क्या डिफरेंस है, केवल इसको स्टोर किया जाता है, ना कि पूरी पिक्सल को स्टोर करते हैं। तो ये एक तकनीक है, इस तकनीक का प्रयोग अपने करते हैं। वो क्या है कि हर फ्रेम में किया जाता है, यानी हर फ्रेम के लिए हर पिक्सल के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है एंट्रोपी कोडिंग। कौन सा है? एंट्रोपी कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगली तस्वीर को पिछली उस तस्वीर के आधार पर स्टोर किया जाता है, यानी अगली तस्वीर और पिछली तस्वीर के आधार पर क्या डाटा को स्टोर करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक तस्वीर को पूरा स्टोर ना करने के मतलब ना करके, बल्कि पिछली तस्वीर से अगली तस्वीर के परिवर्तन को स्टोर किया जाता है, यानी दोनों के बीच में क्या परिवर्तन हुआ है, दोनों इमेज के बीच में क्या परिवर्तन हुआ है, केवल उसको स्टोर किया जाता है, ना कि पूरी तस्वीर को इसमें स्टोर किया जाता है। इसको बोला जाता है आपका एंट्रोपी कोडिंग। ये सारा काम एंट्रोपी कोडिंग में किया जाता है। तुम लिखा हो तो एंट्रोपी कोडिंग क्या है, मैंने बताया एंट्रोपी कोडिंग इज लॉसलेस कंप्रेशन सिस्टम। ये क्या आपका लॉसलेस कंप्रेशन है, यानी एक तो लॉसी होता है, दूसरा क्या है लॉसलेस। लॉसलेस में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इसमें डाटा की हानि नहीं होती है, और आप जब इसको किसी फाइल को कंप्रेस करते हो तो दोबारा इसको क्या करते हो डीकंप्रेस करते हो, तो आपका जो फाइल आपके मूल फॉर्मेट में आपको आपको जो सही फॉर्मेट में आपको वापस मिल जाता है। ये उस पर कार्य करता है। वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ एंट्रोपी कोडिंग क्रिएट असाइन यूनिट प्रीफिक्स प्रीकोड टू ईच यूनिट सिंपल ऑफ अक्रॉस इनपुट, यानी प्रत्येक इसमें क्या होता है कि जो आप इसमें कोडिंग करते हो प्रत्येक पिक्सल के लिए जो आपके अंतर है उसको लिए एक उसके लिए क्या है कि अलग एक प्रीफिक्स क्या है आपको कोड क्या लिखा जाता है, या उसके लिए अलग से सिंबल आपको निर्धारित किया जाता है, और उस सिंबल या उस कोड के आधार पर क्या कहता है आपके डाटा को स्कैन करके उसको सेव किया जाता है, यानी उसके अंतर को क्या कहता है सेव किया जाता है। तो ये आपकी क्या थी एंट्रोपी कोडिंग थी। अब देखिए उसमें क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए पहली फाइल ये है दूसरी फाइल ये, मतलब एक फ्रेम आपका ये दूसरा फ्रेम ये, और दूसरे फ्रेम में क्या अंतर आया है, क्या अंतर है, केवल उसको स्टोर किया गया है, यानी ना कि पूरी फाइल को स्टोर करेंगे, बल्कि क्या करेंगे उसमें क्या अंतर है केवल उस चीज को स्टोर करके रखा जाता है, जिसमें एंट्रोपिक आपके कोडिंग के अंदर ये था। तो ये अंतर बताया कि ये अंतर है आपका पहली तस्वीर आपकी पहली फ्रेम ये है दूसरा फ्रेम आपका ये है, इन दोनों फ्रेम के बीच में क्या अंतर है आया है, यानी इन दोनों तस्वीर के बीच में क्या अंतर है, ये आपके एंट्रोपिक कोडिंग के द्वारा निर्धारित हुआ, और इस कोडिंग के द्वारा जो आपको अंतर मिला केवल उसको क्या किया गया स्टोर किया गया, ना कि तस्वीर को यानी पूरी तस्वीर को।
इसको कहता है एमपीजी, कंप्रेशन या एंट्रोपी कोडिंग के आधार पर इसको चेक किया जाता है। तो ये आज का वीडियो था, इसमें मैंने आपको एमपीजी कंप्रेशन के बारे में बताया, एमपीजी कंप्रेशन किस प्रकार से होता है और इसमें कौन कौन सी फाइल्स आपकी यूज में आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।